तो अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल पढ़े थे, वैसे ही हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़ना है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है उसके क्या रहता है, उसका आगे का साइड क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है, और पीछे का साइड रहता है पॉलिश। तो जो रेड रेड किया है मैंने, ये पॉलिश सर्फेस है, तो आपको पीछे ध्यान नहीं देना है, आगे से ही रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो इसका क्या रहता है, पॉइंट्स रहता है जो हम लोग को कॉन्केव में, कॉन्केव में क्या था हमारा सर्कल इस साइड बना था, इसलिए हम लोग ने फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल सब इस साइड लिया था। लेकिन अब क्या है हमारा सर्कल इस साइड बना है, तो देखो क्या लेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल सब इस साइड लेंगे। और क्या है अगर हम इस सर्कल को पूरा करेंगे तो देखो क्या है, सर्कल इसी साइड बन रहा है, मतलब सब हम सब हमको सब चीज़ इसी साइड ही लेना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ फोकस और पोल इसी साइड लेंगे। तो अब देखो हमारा जो, हाँ एक और चीज़ आपको बताना था कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हर बार मिरर के सामने रखा रहता है, मतलब चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, क्या होगा उसके सामने ही, मतलब इसके आगे ही वो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। मतलब ये जो है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इस एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से इसके रूल्स, इसके हमारे चार रूल्स इसके भी होंगे, तो देखते हैं। अब देखो चार रूल्स हैं, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था उसमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू फोकस, इसमें भी वही सेम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू फोकस। लेकिन क्या होगा इधर, इधर कुछ और हो जाएगा, अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सेस के तो फोकस से पास करने की जगह क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सेस के तो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगा, फोकस से पास नहीं हो सकता है, ये डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको वर्चुअली खींचेंगे तो क्या होगा, पास हो जाएगा फोकस से। मतलब कि क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें सब वर्चुअली वर्चुअल काम करना है। तो मतलब अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सेस के तो फोकस से पास नहीं करेगा बल्कि इससे डाइवर्ज हो जाएगा। और अगर हम लोग अपनी इमेजिनेशन में अगर इसको पीछे खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा फोकस बनेगा, फोकस पे से ही वो पास करेगा। अब सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल क्या है, अब इसका उल्टा क्या होगा, इस चीज़ का उल्टा क्या होगा, पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। तो क्या करेगा, अब ये जो मेरा रे है वो ट्राई करेगा इस फोकस पे पॉइंट, फोकस पॉइंट पे आने की, तो मेरा जो रे है वो फोकस पॉइंट पे आने की ट्राई किया, लेकिन क्या है वो आने वाला था लेकिन क्या हो गया, वो क्या हो, चले गया पैरेलल, मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के वो चले गया पैरेलल। मतलब कि हम लोग का ये जो ये है रे है वो टकराया नहीं फोकस से। अब अपनी इमेजिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस फोकस को, मतलब कि ये जो रे है इंसिडेंट रे, इसे हम सॉरी ये जो रे है इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये हम रे को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फोकस पे टच हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें सब क्या है, इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिनरी लाइन हमें बनानी है सब जगह। अब थर्ड केस देखते हैं, अब थर्ड केस क्या होगा, अगर हमारा जो क्या है, हमने तीसरा केस क्या पढ़ा था, अगर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो अब हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच करने का ट्राई करेगा, तो उधर टच करने का जब ट्राई करेगा तो क्या हो जाएगा, उधर टच करने के पहले ही वो हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो इधर है जो रे है वो उधर तक पहुंच नहीं पाया, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी हम इसे पहुंचा सकते हैं उधर तक। तो तीन केस हो गया। अब चौथा केस क्या है, अगर ये जो हमारा रे है अगर वो पोल पे टच होता है, अगर हमारा जो रे है पोल पे टच होगा तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम करेंगे नहीं, क्योंकि देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली खींच सकते हैं, तो उसको इसमें कोई मतलब, ये जो है हमारा रे डायग्राम होने वाला है उसमें ये फोर्थ रूल का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये आप नहीं सीखोगे तो भी चलेगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। और इसमें आपको लिए एक अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही केस हैं, तो मतलब इसमें हमें 6 केस नहीं करने, सिर्फ दो ही केस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दो केस हैं, फर्स्ट है हमारा इन्फिनिटी पे और सेकेंड है हमारा पोल और जो सेंटर ऑफ कर्व, पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में। फर्स्ट हम लोग इन्फिनिटी पे देखेंगे, उसके बाद पोल से लेके देखेंगे हम इन्फिनिटी के बीच में। पहले देखते हैं इन्फिनिटी पे, अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो क्या होगा, इन्फिनिटी से हम लोग का क्या जाएगा, रे जाएगा पैरेलल, पैरेलल जाते हैं तो फिर मैंने अभी जस्ट आपको रूल क्या सिखाया, अगर पैरेलल आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पास करने की कोशिश करेगा लेकिन क्या करेगा, ये जो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या कर देगा, उसे डाइवर्ज कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वर्चुअली इसे हम एक्सटेंड कर देंगे पीछे, पीछे की साइड हमने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं एक और क्या करता हूँ, पैरेलल रे निकाल देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, और ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इसको भी हम वर्चुअली क्या कर सकते हैं, मीट करा सकते हैं। तो क्या हो गया, ये कौन सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोकस पॉइंट पे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर कभी भी चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो,
अगर इन्फिनिटी से कोई चीज़ आए तो वो फोकस पे ही आएगी, तो आपको इतना याद रखना। अब ये इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है मिरर के पीछे, मिरर तो आगे है, मिरर के पीछे ये इमेज बनी है, मतलब बिहाइंड द मिरर एट एफ, फोकस पे बनी है। उसके बाद इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड है। रे क्या कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमें अपनी इमेजिनेशन में मीट करा रहे, तो मतलब क्या हो गया, ये वर्चुअल हो गया, क्योंकि इमेजिनेशन मतलब हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल वर्ल्ड हमने सुना है ना, वैसे ही वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब क्या होगी, इमेज जो है वो सीधी बनेगी, मतलब एकदम छोटी साइज पॉइंट साइज की इमेज है लेकिन वो सीधी बनेगी, क्योंकि वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है, तो वर्चुअल के साथ आपको इरेक्ट लिखना है, तो हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इमेज तो हमको इधर दिख भी नहीं रही है, मतलब एकदम छोटी इमेज बनी है, मतलब क्या होगा, एकदम हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम छोटी इमेज बन रही है। अब देखते हैं केस टू, एक लास्ट केस है वो देख लेते हैं। अब अगर हमारा जो रे है पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, पासेज थ्रू फोकस, ये सब हमने देखा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग अपने रे को पैरेलल करेंगे। एक कहाँ है केस टू, कहाँ से कहाँ तक है, और इसमें बता दूँ कि इसमें दो ही केस क्यों हैं। पहली बात, इसमें दो केस इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जो उन्होंने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर के टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा, लेकिन उसकी जो इमेज है एक ही पॉइंट पे बन रही थी, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ दो ही केस हैं। फर्स्ट देखो क्या होगा, अब रूल देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्या कर सकते हैं, ये जो इमेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और क्या हो जाएगी, फोकस पे आने की ट्राई करेगी लेकिन डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज हो जाएगी तो वर्चुअल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअली हम इसे एक्सटेंड कर देंगे फोकस तक। अब उसके बाद हमने क्या सीखा था, अगर देखो हमारी जो इमेज है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मतलब रे है, अगर वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने का ट्राई करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब आने का ट्राई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच करने का, लेकिन क्या हो जाएगा, उधर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअली इसको लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके जा सकते हैं, तो हम लोग लेके गए, तो हम लोग का उधर क्या हुआ, अब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज पी और एफ के बीच में फॉर्म हुआ, क्योंकि देखो पॉइंट का मीट किया पी और एफ के बीच में, तो मतलब हो जाएगा हमारा इमेज फॉर्म पी और एफ के बीच में। आप चाहे कहीं भी रख के देख लो ये ऑब्जेक्ट को, चाहे अब पोल के ऊपर रख के देखो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखो, अब कहीं भी रख के देखो, ये जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में ही आपको मिलेगा, तो मतलब क्या है, इसलिए इसके अंदर दो केस हैं। अब देखो इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, मतलब क्या रहेगा, हमारा इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बना है, पी और एफ के बीच में, मतलब पोलर फोकस के बीच में, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद ये जो इमेज है ये सीधी है, मतलब क्या है, इरेक्ट, सीधा मतलब होता है इरेक्ट, और ये क्या है, हम लोग ने वर्चुअली इसे मीट कराया है रे को, मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद इमेज की साइज़ क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे तो इमेज की साइज़ छोटी है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इमेज की साइज़ को डिमिनिश्ड। तो अब देखो ये हमारे दो केस हो गए, पिछले वीडियो में जैसे हमने यूजेस देखे थे, तो इस वीडियो में भी हम यूजेस देखेंगे, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड से इसके यूजेस, रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस टू रेयर व्यू। अब रेयर व्यू क्या होता है, अब इससे क्या होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो जो क्या है, एकदम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट दिखाता है, लेकिन बहुत दूर तक वो डिस्टेंस कर सकता है, डिस्टेंस कवर कर सकता है। जैसे हमारे जो गाड़ी के अंदर जो क्या होते हैं, साइड मिरर होता है, उसके अंदर क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जो ऑब्जेक्ट में मिरर दिखाई जाती है वो एकदम दूर दिखाई जाती है लेकिन असलियत में वो पास रहती है। ये इतना दूर क्यों दिखाई जाती है, ताकि वो एकदम बहुत बड़ा व्यू कवर कर सके, मतलब बहुत पीछे तक देख सके ड्राइवर, इसलिए इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो एकदम बहुत बड़ा चीज़ दिखा सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा मतलब एकदम पीछे तक दिखा सकते हैं, जितना पीछे मैक्सिमम, जितना पीछे तक ये दिखा सकता है मिरर, उतना पीछे तक दिखा सके। और कॉनकेव मिरर में क्या होता था, कोई चीज़ को बड़ा करके दिखाता था, ये क्या करता है, कोई चीज़ को एकदम छोटा करके दिखाता है, ताकि और भी जो पीछे लोग आ रहे हैं वो भी देख सके। तो क्या करते हैं हम लोग, ड्राइवर लोग क्या करते हैं, इस मिरर में देख के देखते हैं कि पीछे कितनी ट्रैफिक है, पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं, ये सब देखते हैं, और टर्न लेते वक्त भी देखते हैं इस आईने में। तो यही है हमारा इसका एक यूजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको समझा होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।